हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और वेजिटेरियन रेसिपीज़ के सेक्शन में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की बहुत ही खास सब्ज़ी। खास इसलिए क्योंकि आलू अपने आप में ही बहुत खास सब्ज़ी होती है। और आलू खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या आलू किस तरह से हम गलत तरीके से खाते हैं जिसका हमें नुकसान हो जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दी हुई है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। आज हम जो आलू की खास सब्ज़ी बनाने वाले हैं उसमें खास बात क्या है वो मैं आपको रेसिपी बनाते बताऊंगी। पर इस आलू की सब्ज़ी को खाने के बाद जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो एक करी खाना भूल जाएंगे। ये आलू इतनी टेस्टी, आलू की सब्ज़ी रोटी, पूड़ी, नान, चावल या फिर पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू के इस तरह से आप जो देख रहे हैं ये देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो अभी सबके घर में ज़रूर होगी, तो क्यों ना उसी आलू को थोड़ा खास तरीके से बनाया जाए। तो ये खास तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। रेसिपी पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो अपने घर में एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे आलू। अभी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है छोटे छोटे आलू। आलू को धुल लिया है और छिल लिया है। इसके बाद इस तरह से कोई फोक लेकर के आप इस तरह से इसमें आलू में हल्के हल्के छेद कर दीजिए। इसके क्या फ़ायदे मैं आगे आपको बताऊंगी। 3 प्याज और 3 टमाटर को काट लिया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं 10 से 12 आलू की सब्ज़ी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 3 प्याज काटा है और 3 टमाटर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ का प्याज काटा है क्योंकि ग्रेवी हमारा बेस जो होगा वो यही प्याज और टमाटर होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। अब वो ट्विस्ट क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। नॉर्मली जब भी हम आलू दम बनाते हैं या एक करी बनाते हैं, आलू की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, प्याज को काट के या प्याज को पीस करके उसकी ग्रेवी बनाते हैं। लेकिन मैं जो आज ग्रेवी बना रही हूँ वो एक छोटे से ट्विस्ट के साथ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्रेवी बहुत ही थिक बनेगी, ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी और ग्रेवी का टेस्ट इतना अच्छा होगा ना कि आप हर सब्ज़ी का ग्रेवी इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो ये मैंने सरसों का तेल 2 चम्मच गरम किया, इसमें डाल दिया है 1 बड़ी दालचीनी, 1 खड़ी इलायची और 4-5 लौंग। बड़ी वाली इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग और साथ में जो 3 प्याज मैंने काटा था वो भी डाल दिया। ये जो 3 खड़े मसाले हैं ना ये इस ग्रेवी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और लौंग, इसके बाद 3 प्याज, 1 पूरा लहसुन की कलियों और 2 से 3 टुकड़े अदरक के। तेज फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इस प्याज को हल्का ब्राउन होने तक आपको भून लेना है। साथ में ये जो खड़े मसाले हैं ये भी भून जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, ये जब आप सब्ज़ी बनाइएगा और इसकी ग्रेवी जब आपके घर वाले टेस्ट करेंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसको बना करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि आपने जो, और सबसे अच्छी बात है कि ये ग्रेवी पकने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप देखिए 2 मिनट में ये प्याज ब्राउनिश हो जाएंगे। तेल को अलग करके इस प्याज, लहसुन, अदरक, दालचीनी, इलायची और लौंग जो हमने भुना है इसको तेल से अलग कर लेना है और फ्लेम को बंद कर देना है और इस जो प्याज हमने भुना है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। रेसिपी अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ रेसिपी के लाइक बटन को क्लिक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप क्या इसी तरह बनाते हैं आलू की कोई भी सब्ज़ी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और बहुत सारी इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपीज से जुड़े रहना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फटाफट से मेरे चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा तो आपको बहुत सारी रेसिपीज और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम उसी तेल में, जो तेल बचा था जिसमें मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक सबका फ्लेवर था, उसी तेल में आलू को फ्राई करेंगे। आलू में अच्छे से मैंने फोक से छेद कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला दिया। नमक मिलाने का कारण ये है कि आलू के अंदर तक नमक भीग जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मिला दिया। इन 3 चीज़ों के साथ जब आप आलू को भूनिएगा तो आलू के अंदर भी मसालों का टेस्ट ऐड होगा और जब इस सब्ज़ी को आप खाइएगा तो बिल्कुल आपको लगेगा कि स्टफ़ किया हुआ आलू खा रहे हैं क्योंकि आलू के अंदर से आपको मसालों का टेस्ट आएगा।
ना कि उबले आलू जैसा टेस्ट आएगा। अब इसको तेज फ्लेम पे आलू को अच्छे से ब्राउनिश होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक ये आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक चलिए हम लोग टाइम बचाते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने डाला चुटकी भर हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर दो चम्मच, जीरा खड़ा जीरा दो चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच। तो हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा और जो हमने भुना था वो तीन टमाटर के साथ इसका पेस्ट बना लिया। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, आपके मसालों के डब्बे में ज़रूर होंगे। आलू भी फ्राई हो गया, आप सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने डाला 2 से 2.5 चम्मच सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी प्रिपरेशन सारी ऑलमोस्ट हो गई, हमारा समय बहुत बचेगा क्योंकि आपको यहाँ मसाला भूनने में कोई समय नहीं लगने वाला है। अब जो आगे ग्रेवी का ट्विस्ट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए अब इसमें डाल दिया 2 तेज़पत्ता, ऑप्शनल है, आपके पास होगा तो ज़रूर तेज़पत्ते का इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, दालचीनी, इलायची, लौंग, साथ ही पीसे मसाला में डाला था हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा और अब इसमें मिला देंगे नमक। तो मसाले सारे वही कॉमन है, इंग्रेडिएंट्स वही सारे कॉमन है, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और इस थोड़े अलग तरीके से ही स्वाद भी बहुत अलग आने वाला है। मीडियम फ्लेम पे अब मसाले को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपको भूनना है क्योंकि आपने जो प्याज लहसुन अदरक भून लिया है इससे मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं। अब इसमें मिलाएंगे 2 से 2.5 चम्मच दही के और इसको अच्छे से मिक्स करके 2-2.5 मिनट तक इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर जो हमने आलू फ्राई किया वो आलू और उसमें अगर जो बहुत थोड़ा बहुत तेल बचा होगा वो भी इसमें डाल देंगे। उन आलू को देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया तेल सहित, बहुत हल्का सा तेल बचा था क्योंकि उसी तेल में हमने प्याज भी भुना, उसी तेल में हमने आलू भी फ्राई कर दिया और सारा फ्लेवर आलू में ऐड भी हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग ग्रेवी गाढ़ी बना रहे हैं, तो आधा ग्लास पानी ऐड करिए, कुकर को बंद कर दीजिए और 1 सीटी लगाइए। 1 सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा क्योंकि इससे फिर आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो सिर्फ 1 सीटी लगाइएगा। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करिएगा, पूरी, रोटी, चावल, पुलाव के साथ इसको सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्जी, इसकी ग्रेवी आपको बहुत पसंद आएगी।